शुक्रिया मिस्टर राहुल और सदा दीवान आप सभी का। 2 महीने पहले बेंगलोर में मेरी गौरी से मुलाकात हुई थी और अक्टूबर नवंबर में हमने फिर से मिलना था। परसों जब उनकी शहादत का सुना तो शॉक हुआ, कभी सोचा नहीं था कि 2 महीने पहले की मुलाकात वो एक आखिरी मुलाकात होगी। उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो यादें रह जाएंगी वो आपके सामने शायद मैं शेयर करूं। एक साल पहले जब गौरी ने मेरी किताब फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट पढ़ी तो बेंगलोर से फ़ोन किया और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं इसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। चर्चा आगे बढ़ी और जब 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई गौरी ने बताया कि वो कन्नड़ा में ट्रांसलेशन पूरी हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में इसको रिलीज़ करूँगी। मुझे ये चिंता नहीं है कि फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट का कन्नड़ वर्जन आएगा या नहीं, चिंता यह है जो कर्नाटका में साउथ इंडिया में एक मजबूत आवाज़ थी जो सेक्युलरिज्म और संविधान के हक में बोलने वाली आवाज़ थी वो कमज़ोर हुई है, उस गैप को कैसे पूरा किया जाएगा। अभी भी चेहरा गौरी का मेरे आंखों के सामने आता है और मुस्कुराहट भरा। मुझको रह रहे के ख्याल आता है कि शायद नहीं वो ज़िंदा हैं, लेकिन हकीकत वो में ज़िंदा हैं। कातिल कभी उन कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनको वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। पर अगर हम आज श्रद्धांजलि उनको देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, बेहतर श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? शायद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पत्रिका में जो कन्नड़ा में उन्होंने बातें लिखी हैं या लेख लिखे हैं उसको हम दूसरी भाषाओं में कन्नड़ा से बाहर पूरे भारत तक ले जाएं। मेरे ख्याल से हम तभी उनको जिंदा रूप में देख सकते हैं। अच्छे दिन आ गए हैं। चंद घंटे पहले की न्यूज है कि 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट के कुछ एक्यूज्ड को उम्र कैद और फांसी की सजा दी गई है, लेकिन जब हम चंद दिन पहले की न्यूज देखते हैं तो किसी एक खास विचारधारा या वर्ग के एक्यूज्ड लगभग ऐसे ही धाराओं में जो जेल में थे उनको बेल में हम निकलता हुआ महसूस पड़ते हैं। समझ नहीं आ रहा है ये अच्छे दिन किसके लिए आए। मैं 14 साल जेल में रहा और मुझ जैसे ना जाने कितने नौजवान हैं जो जेलों में रहे और लंबे ट्रायल के बाद बरी होकर बाहर आए, पर अभी भी सैकड़ों हजारों जवान जेल में हैं। गौरी
मुझ और मुझ जैसे सभी विक्टिम्स या सर्वाइवर्स के लिए नरम गोशा रखती थी। उन्होंने मुझसे कहा, आमिर आप तो काफ़ी समय जेल में गुजार के आए हैं, मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हैं, लेकिन मैं कभी झुकी नहीं। हकीकत में वो नहीं झुकी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके विचार को झुकाएं नहीं, बढ़ाएं आगे। सिर्फ ये एक मीटिंग उनको याद तक रखना महदूद ना रहे। मैं समझता हूँ यहाँ के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और यहाँ पर सीनियर एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स उस पर विचार करेंगे और गौरी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। बात सिर्फ डोभालकर की, गौरी जी की नहीं। 2010 में शाहिद आज़मी को भी उनके ऑफिस में पहुँच कर कत्ल किया गया था। जांच चल रही है गौरी के लिए। आशा करते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और कसूरवार ज़रूर कानून के दायरे में आएंगे। पर यह हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि जिस विचारधारा ने उनको कत्ल किया है, हम उसको किस तरह से काउंटर करें, हम उनको किस प्रकार संविधान के दायरे में रहते हुए जवाब दें। आज भय का माहौल है। इस सभा में मालूम नहीं अगला कौन सा शख्स निशाने पे पड़ जाए। दो रातें हैं, मुश्किल घड़ियां हैं, लेकिन मैं आशावादी हूँ। कुछ सालों की बात है, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस काली अंधेरी गुफा से निकलना का काम भी हमने ही करना है और अपने हौसलों को भी बुलंद रखना। इसी के साथ में इजाज़त चाहता हूँ और कहता हूँ गौरी लंकेश जिंदाबाद। शुक्रिया।